नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अब जल्द ही होने वाली है। चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण आज किया गया। आरक्षण में भाजपा खुश दिखाई दे तो वही कांग्रेस के अध्यक्ष आरक्षण से नाराज दिखाई दिए। नए आरक्षण के मुताबिक वार्ड नंबर 19, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 44, 47, 48, 50, 51 और 52 महिला अनारक्षित के लिए आरक्षित हो गए हैं। इसमें वार्ड नंबर 52 कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र वशिष्ठ का है। अब उन्हें दूसरा वार्ड तलाशना होगा। इसी तरह वार्ड नंबर 4, 11, 14, 15, 26, 27, 42, 49 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी पुरुष के लिए वार्ड नंबर 2, 3, 16, 18, 24, 28 और 46 रहेंगे। इसी तरह अनारक्षित पुरुष के लिए वार्ड नंबर 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 23, 29, 34, 35, 38 रहेंगे। ताजा आरक्षण के बाद कुछ नेताओं की किस्मत फिर से चमक गई है तो कुछ की किस्मत पर पानी फिर गया है। ओबीसी आरक्षण फिर से होने से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय को फायदा हो गया। उनका वार्ड नंबर 18 फिर से ओबीसी पुरुष हो गया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि व भदौरिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के डर के कारण ही आरक्षण भाजपा ने करवाया है। जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य पिछड़ा आयोग के संदर्भ में जो आरक्षण की कार्रवाई अभी की जा रही है, उसमें नगर निगम उज्जैन के लिए जो 54 वार्ड हैं, 54 वार्ड्स हैं, उसका अभी आरक्षण किया गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करा दी गई है, जिसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद दे पाऊँगा। दोनों ही दल सभी उपस्थित थे और जो है शांतिपूर्वक सारी चीज़ें क्लियर हुई। महिलाओं की संख्या बढ़ी है? हाँ, इसमें जैसा कि निर्देश है कि ओबीसी वर्ग को 35% से ज़्यादा नहीं दिया जाना है और कुल मिला के जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना था, तो उस गाइडलाइन का सारा पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है। ठीक है, थैंक यू।